हम सभी ने जुपिटर प्लैनेट का नाम सुना है। जुपिटर को हिंदी में बृहस्पति बोला जाता है। आज के शो में हम जुपिटर के बारे में पांच अमेजिंग फैक्ट्स जानेंगे। नंबर वन, दोस्तों जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। दोस्तों जुपिटर की रेडियस 69,911 किलोमीटर है। दोस्तों जुपिटर इतना बड़ा है कि कभी जुपिटर में एक लाइन में अर्थ को रखे तो जुपिटर में एक लाइन में 11 अर्थ आ जाएगी। नंबर टू, दोस्तों जब हमारी धरती पर 12 साल कंप्लीट हो जाते हैं तब जुपिटर का सिर्फ एक साल ही होता है। जुपिटर का एक साल 4,300 डेज का होता है। दोस्तों जुपिटर सोलर सिस्टम का फिफ्थ प्लैनेट है। दोस्तों जुपिटर सन से बहुत दूर है, इसलिए सन का चक्कर लगाने में जुपिटर को बहुत टाइम लगता है। नंबर थ्री, दोस्तों जुपिटर का एक दिन सिर्फ 10 घंटे का होता है। दोस्तों जुपिटर को हम बिना टेलीस्कोप से भी देख सकते हैं। आप जुपिटर को बिना किसी इंस्ट्रूमेंट से आपकी नॉर्मल आंखों से देख सकते हो। हम जुपिटर के अलावा मार्स, मरकरी, वेनस, सैटर्न को भी अपनी आंखों से देख सकते हैं। नंबर टू, दोस्तों जैसे हमारी प्यारी धरती के पास सिर्फ एक मून है, वैसे जुपिटर के पास 79 मून है। स्टडी अभी जारी है और फ्यूचर में जुपिटर मून्स की संख्या और ज्यादा हो सकती है। नंबर वन, जुपिटर ग्रेट रेड स्पॉट के लिए जाना जाता है। दोस्तों ग्रेट रेड स्पॉट एक यूरिकन की तरह एक खतरनाक तूफान है। यह तूफान 300 सालों से चल रहा है। इस तूफान में 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेज हवाएं चलती है। यह तूफान अभी तक का यूनिवर्स में सबसे खतरनाक तूफान है। दोस्तों जब आप जुपिटर को ऑब्जर्व करोगे तो आपको जुपिटर एक तारे जैसा ही दिखेगा। आपको जुपिटर बहुत ही चमकीला दिखेगा। आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।